हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है संडे और सब सोचते हैं कि आज तो हॉलीडे फ्री है, लेकिन फ्री नहीं होता, उसमें तो बहुत काम होता है संडे को। तो आज भी मेरा भी कुछ ऐसा ही है दिन। तो घर में वही अभी तो साफ सफाई ही चल रही है और हस्बैंड जी तो यहाँ है नहीं। जो हम कहीं घूमने जाते हैं अक्सर, हम क्या करते हैं संडे वाले दिन घूमने जाते हैं बाहर, तो कई संडे मेरे ऐसे चले गए कि मैं कहीं बाहर नहीं गई। तो ब्लॉग्स आजकल घर के ही बन रहे हैं, बाहर के तो एक भी नहीं बना कुछ दिनों से। और बाजी आ गई है, तो अभी आई है बाजी और मैंने वैसे घर का सारा काम कर लिया, डस्टिंग वगैरह और झाड़ू पोछा वगैरह वैसा हो गया है। और मैं और बाजी अब काम ऐसा कर रहे हैं जैसे कपड़े धुलने बाकी हैं, बर्तन मांजने बाकी है, खाना बनाना बाकी है। अभी ये वाला काम रह रहा है हमारा, बस बच्चों की फरमाइश चल रही है संडे को ये बना लो वो बना लो, तो वही खाने में लगेंगे। अभी तो खाना बनाना है। और चलो बाहर दिखाते हैं आपको कैसा है हमारे बाहर आज का दिन कैसा हो रहा है। और धूप निकल रही है वैसे तो। और आप देख सकते हैं बाहर कितनी धूप निकल रही है, खिल के धूप निकल रही है पूरी, क्योंकि काफी दिनों से तो बारिश ही हो रही थी तो सब गीला ही पड़ा था और अब तो धूप निकलने लगी है। और देख सकते हैं आप हमारे बाहर कैसा सीन है, वो तो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ। तो मैंने ये कुछ लाल मिर्चें जो मुझे पीसनी थी तो ये मैंने सुखा दी है धूप में। और झाड़ू वगैरह कर दिया मैंने, हाँ क्यारी साफ कर ली है सारी। और कपड़े आधे धुल गए और आप देख सकते हैं आधे कपड़े मैंने धुल के इस कार पे डाल दिए, आधे भी धुल रहे हैं, मशीन में लगा रखे हैं। और गुगली से गाड़ी के नीचे सोई हुई है। गुगली हेलो कर दो, गुगली हेलो कर दो, इतनी काली का चेहरा भी नहीं दिख रहा। हेलो कर दो गुगली। हम बर्तन धो रहे हैं दोनों बहनें, काफी सारे बर्तन हो रखे हैं और मैं माँ धूंगी बाजी धूंगी, इस तरह से सारे बर्तन धो लेंगे। बस चल रही है अभी सफाई, कुछ काम जो छूट गया है वो कर रहे हैं अब हम। तो मैं तो ये वाशबेसन साफ कर रही हूँ, बाजी उधर पोछा लगा रही है। तो दोनों बहनें जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट काम कर रहे हैं संडे को, कि काम जल्दी से निमट जाए और फ्री हो जाएंगे जल्दी से, तो फिर बैठ जाएंगे आराम से। और क्या है ये देखो गाइस, और देखो गाइस अभी बाजी आ चुके हैं ट्यूशन पढ़ के। हेलो आती बाजी, और मेरे को तो गुगली की पड़ी रहती है और गुगली भी हमारी पड़ी रहती है। जल्दी थोड़ी गुगली, अब देखो गाइस सवारी थोड़ी थोड़ी जनप ले रही है, आ जा पकड़ लिया नहीं तो अभी सवारी भागी जाती। चल बहुत घूम लिया तुमने, आ जा घर चल। अब ओ भाई तेरे में बिग ब्रेन है क्या, इधर आना, ज्यादा दिमाग क्या गुगली, टॉमी भी इससे ज्यादा दिमाग वाली है। चलो घर चलो चलो। और फ्रेंड्स अब हो रही है शाम और खाना खा के ना दोपहर का लंच करके हम सो गए थे और उसके बाद उठी तो उसके बाद झाड़ू वगैरह करी और घर का काम किया। और अब हम बनाएंगे ढोकला, काफी दिन हो गए ढोकला नहीं खाया, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ ढोकले की, बहुत ही इजी है। तो चलिए ढोकला बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं आज उसकी रेसिपी ढोकले की। बनाएंगे ढोकला, तो हमने ले लिए ढोकले के बैटर बनाने के लिए ये बर्तन ले लिए, और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। ये मैंने बेसन ले लिया, ये कम से कम दो कटोरी के बराबर है, तो ये इतना बेसन ले लिया। और अब इसमें हम डालेंगे हल्दी, तो अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दिए, अगर आपको डार्क कलर का चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो हल्दी डाल दिए इसमें। तो अब इसमें डाल देंगे हम नमक और डाल देंगे एक चम्मच चीनी और इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेते हैं अभी। और ये हमने
पेस्ट बना लिया, आप देख सकते हैं किस तरह का बनाया है। ऐसा पेस्ट अच्छे से बना लो, अच्छा सा बैटर। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है तो ये हमने आधी चम्मच डाल दिया है। और इसे अच्छे से फैट लेते हैं। और अब डालेंगे इसमें आधा नींबू का रस, तो आधा नींबू का रस डाल देंगे हम। इसमें आधा नींबू का रस डाल दिया हमने और इसे फिर फेंट लेंगे अच्छे से। और अब हम ले लेंगे एक बर्तन, तो ये मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी इसलिए आप बोरोसिल का या कोई भी प्लास्टिक का ले सकते हैं। तो मैं इसमें ढोकला बनाने के लिए रखूंगी, तो इसमें हम ऑयल लगा देंगे, ग्रीस कर देंगे इसको ऑयल से, क्योंकि चिपके नहीं नीचे। ब्रश से भी कर सकते हैं आप, अभी मैं फिलहाल जल्दी में बना रही हूँ तो मैं इसी तरह से हाथ से कर दूंगी इसे पूरा। और अब हम इस बैटर में डाल देंगे एक इनो का पाउच, तो इनो डाल के इसे तुरंत हमें उस बाउल में पलट देना है और फिर हम इसे माइक्रोवेव में रख देंगे, कर देते हैं अच्छे से। और अब इसको हम बैटर को इसमें पलट देंगे। आ चुके हैं हम किचन में, तो अब हम रख देंगे इसे माइक्रोवेव में बनने के लिए और टाइमिंग सेट कर देंगे इसकी। तो हमने ये रख दिया बनाने के लिए, और अब हम इसे जो ये माइक्रोवेव लिखा होता है उस पर माइक्रोवेव पे क्लिक कर देंगे। और 6 मिनट का मैंने टाइम भर दिया इसमें और ऑन कर देते हैं। और ये हमारा ढोकला बनने के लिए रख दिया है हमने, और अब इसका तैयार करेंगे ऊपर से डालने वाला तड़का लेते हैं। तो चलो, तो ये मैंने कुछ मिर्चें ले ली हैं, 8-10 मिर्च ले लिए हैं मैंने, और अब हम इनके ये हटा देंगे। ये ऑप्शनल है, हटाना चाहो तो हटा दो, नहीं तो रहने दो। इन्हें हम तोड़ लेते हैं और फिर इसका तड़का तैयार करते हैं ढोकले का। तो हमने ये इस तरह से सारी मिर्चों को कर लिया है, बीच में से चीरा लगा के तैयार कर लिए। और अब हमें चाहिएगी राई, तो ये राई के दाने हैं, ये आधा चम्मच के करीब है, ये हमें तड़के के लिए चाहिएंगे। चलिए लगा लेते हैं तड़का। गैस पे रख दी हमने कढ़ाई और इसमें डालेंगे ऑयल, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। और अब इसे हम गर्म होने देते हैं अच्छे से, इसमें धुआं निकलने लगेगा तब तक इसे गर्म कर लेते हैं। और ये ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे ये राई के दाने, ये चटकने लगे हैं अच्छे से। और अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने मिर्च काटी है वो, और डाल देंगे इसमें पानी। एक पिंच हींग डाल देंगे इसमें, और हमने इसमें 3 गिलास पानी डाल दिया क्योंकि बेसन पानी पी जाता है इसलिए, तो पानी थोड़ा ज़्यादा रखें। तो ये तड़का हो गया है और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें चीनी 2 चम्मच, और इसे अच्छे से पकने देते हैं पानी को। और इतने अपने ढोकले को देख के आते हैं वो तैयार हुआ है या नहीं, क्योंकि सीटी बज चुकी है माइक्रोवेव की। चेक कर लेते हैं ढोकले को रेडी हुआ है या नहीं, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गया है, ये देखें। और इसे हम इससे टूथपिक से या फिर किसी चक्कू से इसे इस तरह से अंदर डाल के देखेंगे, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन निकली है, ये चिपका नहीं है इसके ऊपर, तो इसलिए ये रेडी हो चुका है ढोकला। तो चलिए ले चलते हैं इसे। और ये हमारा पानी पक चुका है अच्छे से, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं हल्का सा, ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब इसको हम इसके ढोकले को ऊपर डालेंगे। और अब हम इस ढोकले को इसमें रख लेंगे, बर्तन में पलट लेते हैं। और ये डिज़ाइन बन गया है, ये कंटेनर का डिज़ाइन जो नीचे था सेम वही बन गया है, बाउल निकल गया पूरा बन के। और अब हम इसे कर लेंगे कट, हेल्प
हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे वाह बड़ा सॉफ्ट है ये तो, आराम से कट जा रहा है एकदम। इसी तरह से हम इसके पाइनएप्पल केक को काट के स्क्वायर शेप में काट देंगे इसे। बहुत सॉफ्ट बना है ना, तो एकदम ही ऐसे कट जा रहा है। हमने काट लिया है और जो ये पानी है, ये तड़का पानी जो हमारा तैयार है, अब हम इसे इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये जितना पानी आपको दिख रहा है ना, सब पी जाएगा। ये बेसन है तो सारा पानी पी लेता है इसमें। और ये हो चुका है रेडी, तो चलिए इसे खाएंगे थोड़ी देर में। ये थोड़ा पानी सोख ले और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा कि हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से डाली हैं। तो अभी से ही कम हो गया पानी, सारी मिर्च मिर्च दिखने लगी है, पानी गायब होता जा रहा है। और ये तैयार हो गया है और हमने इसे प्लेट में कर लिया है, सब खाएंगे बैठ के। तो हमने यहाँ रख दिया है, चलो सब खा लेते हैं। ढोकला ये चटनी और सॉस से खाएगा? ये कौन सा तरीका है, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ, मुझे तो ऐसे पसंद है। खा लो अपने अपने टेस्ट के अनुसार, सब जिससे जिससे अच्छा लग रहा है वैसे खा लो। चलिए ढोकला पार्टी चल रही है अब शाम को, और खाना बनाने मैंने रख दिया है रात का डिनर के लिए। और अभी तो फिलहाल ढोकले ही खा लेते हैं। ये ढोकला जो हमने बनाया है ना, ये बेसन मोटा वाला होता ना तो और ज़्यादा अच्छा बनता। और ये भी बहुत अच्छा बना है, आपको दिखा देती हूँ कितना स्पंच है। देखो आप, बहुत स्पंच बना है, बहुत बढ़िया है ये। तो काफ़ी दिन हो चुके थे मैंने ढोकला नहीं खाया, कई महीनों से। तो अब मेरा मन कर रहा था कि ढोकला खाना है। जो मेरे ब्लॉग्स देखते हो उनके साथ शेयर करती हूँ अपनी ये रेसिपी, एकदम 5 मिनट में 6 मिनट में कैसे ढोकला तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ढोकला बनाओगे आप तो 5-6 मिनट में तैयार हो जाएगा, और आप कभी भी इंजॉय कर सकते हो उसका। तो चलिए खा लेते हैं ढोकला, और आप भी खाइए हमारे साथ। आशी कैसा लग रहा है, अच्छा बनाया या नहीं? मैं तो ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे को भी अच्छे लग रहे हैं, बच्चों को भी पसंद आ रहा है। तो चलिए खा लेते हैं। खा नहीं रहा सानू? वो अलग बात है। क्यों सानू, तुझे पसंद नहीं है क्या ढोकला? क्यों? इसे जलेबी फाफड़ा पसंद है, ढोकला नहीं पसंद। कोई बात नहीं, छोटा पापा तो पसंद है मेरे से। छोटे पापा है नहीं, और ये दोनों तो बड़े शौक से खा रहे हैं। साहिल तू नहीं खा रहा है क्या? ना, अभी तो नहीं करे, बाद में वो बाद में खाएगा और हम खा लेते हैं। तो अब हम खा लेते हैं ढोकला। तो चलिए व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, और शाम के 7 बज चुके हैं और व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।